नमस्कार दोस्तों, यदि आपका कोई फेसबुक अकाउंट है और आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, किसी कारणवश डिलीट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देख के आप आसानी से उस आईडी को डिलीट कर सकते हैं जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है और आईडी अगर लॉगिन नहीं है तो आईडी को लॉगिन कर लेना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो मेरा आईडी है वो लॉगिन हम कर चुके हैं और आपको जो पासवर्ड है उसको याद रखना है। तो लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करना है। जैसे ही 3 डॉट में क्लिक कीजिएगा तो सबसे नीचे आ जाना है आपको, और नीचे में यहाँ पे दिखेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन, तो वहाँ पे आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा और सिंपली फिर सेटिंग में क्लिक कर देना है आपको। तो ये दूसरा स्टेप था। अब तीसरा स्टेप में क्या करना है, अकाउंट का जो ऑप्शन है, अकाउंट के नीचे में जो लिखा हुआ है पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो उसमें क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही वहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे यहाँ जो लिखा हुआ है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली से, और यहीं से डिलीट होने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि स्लो है नेट। तो जैसे ही वेट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा डीएक्टिवेशन एंड डिलीट डिलीशन का ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, डीएक्टिव का और डिलीट करने का। तो डीएक्टिव में क्या होगा कि आपका अकाउंट रहेगा लेकिन किसी को दिखाएगा नहीं अगर डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो हमको डिलीट करना है तो सबसे पहले हम डिलीट अकाउंट में क्लिक कर देंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू टू डिलीटेशन प्रोसेस में क्लिक कर देंगे। तो वहाँ पे डिलीट अकाउंट हमको करना है, ये सबको आपको ध्यान से एक बार पढ़ लेना है क्या क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक कर देना है नीला कलर से जो है। जैसे ही वहाँ पर हम क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर कारण पूछता है, कारण आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ कारण है आई स्पेंड टू मच टाइम, तो उसको हम दे के अगर डिलीट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। जैसे वहाँ क्लिक करेंगे यहाँ कंटिन्यू टू डिलीटेशन प्रोसेस में क्लिक कर देना है, लेकिन नहीं करना है तो हम बिना कारण दिए ही डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम डिलीट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, उसके बाद जितना भी उस अकाउंट में रहेगा पेज जो भी रहेगा जहाँ भी लॉगिन रहेगा वो सारा डिटेल आ जाएगा। तो इसको आपको एक बार ध्यान से देख लेना है और ये सब सारा डिलीट मतलब जो भी डाटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो इसको एक बार आप सोच समझ के कीजिएगा कि डिलीट करना ही है या नहीं करना है। तो सिंपली वहाँ डिलीट में क्लिक करके यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। जैसे ही यहाँ पासवर्ड डालिएगा तो आखिरी बार ये कंफर्म पूछेगा कि आपको डिलीट करना ही है। तो यहाँ पर ये बेसिकली कह रहा है कि 30 दिन में अगर आप लॉगिन नहीं करते हैं या अपने खाते को वापस नहीं लाते हैं तो अकाउंट डिलीट हो जाएगा, अगर आप अभी डिलीट अकाउंट में क्लिक कीजिएगा। तो हमको डिलीट करना है, परवाह नहीं है कि अकाउंट आए या ना आए, हमको किसी कारणवश डिलीट करना है। तो हम यहाँ पे डिलीट अकाउंट में क्लिक करेंगे तो मेरा जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा प्रोसेस होने में समय लगेगा, थोड़ा सा समय ले रहा है। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। तो सिंपली से जैसे ही वहाँ हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ जहाँ भी लॉगिन है वो सारा हट जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही डिलीट होगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपको अगर इस अकाउंट को मोबाइल से हटाना है तो 3 डॉट में क्लिक करके रिमूव अकाउंट फ्रॉम डिवाइस कर दीजिए, और ये जो अकाउंट है मोबाइल से भी हट जाएगा और 30 दिन में ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा यदि आप इसको ओपन नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग सारे सारे कुछ अच्छे से समझ चुके हैं, और यदि आप इस तरीके से कीजिएगा तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं करना है आपको तो कम से कम लाइक तो कर दीजिए। जय हिंद।